बिलीव मी ये ओरिजिन मूवी से डिफरेंट है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रांशु असोल और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। आयरन मैन के 1 से 3 पार्ट आ गए हैं मगर उसकी ओरिजिन के बारे में हमने बिल्कुल पता नहीं किया है। और जैसे कि ये कॉमिक बुक कैरेक्टर है, इसकी कई सारी ओरिजिन और अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ओरिजिनल बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड नाउ मिस्टर स्टार्क हैज प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट, ही विल नॉट बी टेकिंग एनी क्वेश्चंस, थैंक यू। आयरन मैन को सबसे पहले टेल्स ऑफ सस्पेंस नंबर 39 ईयर्स 1963 में देखा गया था। जैसे कि हमें इस बात का संज्ञान है कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन बनने से पहले वे एक बिलियनर बिजनेसमैन हैं जो अपने लाइफ में ऑलमोस्ट सभी चीजों में सक्सेसफुल हैं। टोनी स्टार्क के फादर का नाम हावर्ड स्टार्क है और इनको हमने कैप्टन अमेरिका 1 में देखा ही है। हावर्ड स्टार्क एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक साइंटिस्ट और स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक भी हैं और उनका बेटा यानी टोनी स्टार्क उनकी विरासत का मालिक है। और गौर करने वाली बात है कि वो एक पॉपुलर प्लेबॉय भी है। जब टोनी अपने वेपन्स के साथ वियतनाम में यूएस गवर्नमेंट की आर्मी को हेल्प कर रहा था, तब अचानक टोनी एक बूबी ट्रैप में फंस के घायल हो पड़ता है। टोनी को वहाँ के कुछ लोग बंदी बना लेते हैं और वो लोग वियतनामीज गोरिल्लास हैं और इनका लीडर वैंग चू है। टोनी को पकड़ने के बाद वांग उसके चेस्ट पे एक मैग्नेटिक मशीन लगा देता है, जिसे आज के प्रेजेंट टाइम में हम उसे आग रिएक्टर के नाम से भी जानते हैं, जो कि उसके हर्ट से सिर्फ 1 इंच की दूरी पे थी। और ऐसा करते हुए वांग टोनी को एक सुपर वेपन बनाने का ऑर्डर देता है हर्ट सर्जरी को ठीक करने के बदले में। और कॉमिक्स में आगे चलते चलते टोनी को जो सप्लाइज मिलते थे वेपन्स बनाने के लिए, टोनी अपने हर्ट के लिए एक मैग्नेटिक डिवाइस बनाई जो उसके हर्ट से शार्फुल और मैगेट्स को दूर रख के उसे जिंदा रखता था। और जहां पे टोनी किडनैप थे उनके पास एक फेलो असिस्टेंट भी था और उस फेलो असिस्टेंट का नाम प्रोफेसर येनसेन था। और वो दोनों मिलके एक मेटल का आर्मर सूट को तैयार करने लगे जो टोनी को वहां से भागने में मदद करेगा। लेकिन सूट पूरा कंप्लीट होने से पहले प्रोफेसर येनसेन को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ा सूट को पावर अप करते समय, और टोनी को कुछ और टाइम मिल जाए वहां से भागने के लिए। और आखिर में टोनी ने वही मैग्नेटिक डिवाइस यानी आंख रिएक्टर यूज किया वहां से भागने के लिए और सूट को पावर अप करने के लिए। और फिर जब सूट पूरा कंप्लीट हो गया, टोनी ने वांग चू और उसके सारे मिलिटेंट्स को हरा दिया, मारा नहीं सिर्फ हरा दिया। सब खत्म करने के बाद टोनी वहां से फ्लाई करके भाग गया। लेकिन ये आयरन मैन सूट बहुत रफ था, लेकिन हम इसके फैन नहीं, इसके बाद के आने वाले सारे सूट्स के फैन हैं। और आगे की कॉमिक्स में यानी आयरन मैन मार्क 2 का सूट सबसे पहले टेल्स ऑफ सस्पेंस नंबर 48 में नजर आया था। कॉमिक में मिस्टर डॉल से हारने के बाद और ऑलमोस्ट मरने से बचने के बाद स्टार्क को समझ में आ गया कि अब उसे अपना सूट और हल्का और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। नए सूट को बनाने के बाद टोनी ने नए सूट से मिस्टर डॉल को हरा दिया, मारा नहीं सिर्फ हरा दिया। आयरन मैन को अपनी खुद की कॉमिक सीरीज 1968 में मिली द इनविंसिबल आयरन मैन नाम से। इस सीरीज के पहले इशू में आयरन मैन की ओरिजिन स्टोरी ब्रीफ में एक्सप्लेन की गई थी कि टोनी स्टार्क वियतनाम कैसे पहुंचा, उसे किडनैप कैसे किया गया, वहां से वो भागा कैसे सूट बना के, वगैरह वगैरह। और आगे चलते चलते आयरन मैन एवेंजर्स के फाउंडर मेंबर में से एक भी बन जाता है। फिर जब टोनी को पता चलता है हल्क अपना माइंडसेट भूल के हर जगह तबाही मचा रहा है, तब आयरन मैन AKA टोनी स्टार्क डिसाइड करता है कि अब आयरन मैन ही हल्क को रोक सकता है। और फिर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है आयरन मैन और हल्क के बीच में। I'm sorry. फिर आगे चलते चलती थॉर उन दोनों फाइट के बीच में आ जाता है और दोनों को एक्सप्लेन करता है, स्पेशली आयरन मैन को, क्योंकि वही बात समझ पाएंगे कि लोकी ने हल्क को गुमराह यानी बहकाया है। और फिर सब एक टीम बनकर लोकी को हरा देते हैं, मारते नहीं सिर्फ हरा देते हैं। और उस टीम के मेंबर्स रहते हैं आयरन मैन, हल्क, थॉर, एंट मैन और वॉस मेंबर्स रहते हैं। और ये नई टीम मिलकर एवेंजर्स कहलाती है। और जैसे कि आयरन मैन इतने पॉपुलर स्टोरी है, तो हर साल के दौरान में आयरन मैन के सूट में एबिलिटीज अपडेट होती रहती हैं, और उसमें से कुछ बहुत ही बड़े अचीवमेंट्स हैं जो हाल ही में नजर आए हैं। टोनी अपने दिमाग और पैसों से कुछ और भी बेहतरीन सूट्स बना रहा है, और हर एक सूट किसी स्पेशल सिचुएशन से निपटने के लिए है। और अब टोनी की सूट्स की पावर उसके हर्ट से नहीं, बल्कि हर एक अलग सूट के लिए अलग आर्क रिएक्टर भी है। सूट्स में मॉडिफिकेशंस और टेक अपडेट्स के साथ टोनी अपने सूट्स में वेपन्स अपग्रेड्स भी करता है,
और वो सारे वेपन्स उसके कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के थ्रू आते हैं। टोनी के कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस की बात करें तो आगे की कॉमिक्स में चलते चलते टोनी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट वायरस आ जाता है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक्सट्रीमिस्ट वायरस टोनी को और भी ज्यादा पावर्स देता है और टोनी वो सारे पावर्स अपने सूट में भी इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ उसके ब्रेन से कंट्रोल हो सकती हैं। टोनी के पास ये एक्सट्रीमिस्ट वायरस आगे की इश्यूज में खत्म हो जाते हैं और वो फिर से नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। और जैसे कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसके कई सारे यूनिवर्स और स्टोरी लाइन्स हैं, मगर कोई भी अल्टीमेट स्टोरी लाइन नहीं है। We got his attention. What the hell was step two? और यहाँ न्यूयॉर्क में आयरन मैन को चिट्टौरी एलियन स्पीशीज को खत्म करते हुए दिखाया गया है। और कॉमिक में फिर से इसी पोजीशन में टोनी को एक बिलियनर बिजनेसमैन और एक पॉपुलर प्लेबॉय के तौर पे दिखाया गया है। और यहाँ पे टोनी को अपने ही पावर्स और एबिलिटीज पे डाउट होता है एक आयरन मैन होने के नाते। कॉमिक्स के साथ साथ आयरन मैन टीवीज और मीडिया में भी पॉपुलर रहा है। 1966 में आयरन मैन की खुद की एनिमेटेड सीरीज लॉन्च हुई मार्वल सुपर हीरोज के नाम से। और हाल ही में द एवेंजर्स मार्टीएस्ट हीरो में आयरन मैन एवेंजर्स टीम का एक लीड कैरेक्टर्स में से एक है। और आयरन मैन दुनिया भर में पॉपुलर तब हुआ जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन मूवी में फीचर किए। और मेरे ख्याल से ये एक्टर इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो क्या आप आयरन मैन के फैन हैं? I am Iron Man. और भी ऐसे ओरिजिन स्टोरीज, ब्रेक डाउन हिस्ट्री और भी ऐसे कंटेंट्स के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। PG Explained.